वेलकम टू द वीडियो। तो आप देख सकते हैं अभी भी स्नोफॉल हो रही है नैनीताल में, कल भी हुई थी और आज देखिए कितने अच्छे से ये स्नोफ्लेक्स आ रहे हैं और बहुत बढ़िया व्यू है आसपास का। सारे पहाड़ देखिए कितना बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पर। तो स्नोफॉल थोड़ी कम हुई है और अब हम फिर से घूमने जा रहे हैं। आज कल का व्लॉग आ चुका है, आप देख सकते हैं उसको। तो आइए चलते हैं। तो अभी आगे जाते हुए यहाँ पर हैवी स्नोफॉल की वजह से छतों में बर्फ अटक गई है तो साफ करनी है वो थोड़ी सी। तो आइए चलते हैं वहाँ पर और छत से बर्फ निकालेंगे। तो देखिए कितनी सारी बर्फ है यहाँ पर और पूरे एरिया में सिर्फ बर्फ ही बर्फ। अभी हमें क्या करना है, ये देखिए छत पूरी ढक गई है बर्फ से, तो इसको निकालेंगे सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। तो इतनी सारी बर्फ है और अभी पूरी छत साफ करनी है शायद। ये ले ले सब, ले 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 ले, वीडियो में आएगा। तो अब जिस काम के लिए आए थे, यहाँ छत में बहुत बर्फ है और इसको साफ करना है, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं छत में कितनी ज्यादा बर्फ है। ये पुराने मकान है, छत डलती थी इनमें स्टील और उस वजह से हैवी वेट हो जाएगा, तो इसको हटाना है हमें और कर रहे हैं हल्के हल्के जितना हो पाता है। तो हम लेबर बुला नहीं सकते क्योंकि देखिए पूरी रोड्स ब्लॉक है यहाँ नैनीताल में और हमें ये खुद करना होगा। तो करते रहते हैं जितना होता है हल्के हल्के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मेरे भाई जो है ये गुड़गांव से आए हैं और ये कर रहे हैं अभी छत साफ, इनका काम है, दूसरे वहाँ पर है और काफ़ी करना है अभी। मेजर पोर्शन तो नहीं हुआ है, बहुत कम पोर्शन हुआ है अभी, लेकिन आप व्यू देखिए वहाँ सामने, कोहरा भी आने लगा है, स्नोफॉल कम हो गई है और मैं तो अभी छत में बैठा हूँ ऐसे, देख सकते हैं आप। बहुत टफ काम है ये, काफ़ी स्लिपरी है छत स्नो की वजह से, कर रहे हैं हल्के हल्के लेकिन देखिए कितना हो पाता है। हम भाइयों ने देखो थोड़ी बहुत बर्फ निकाल दी है छत की, लेकिन अभी भी बहुत पोर्शन है ऊपर, लेकिन अब घूमने का मन कर गया, बहुत टायरिंग हो रहा था ये, तो आइए घूमने चलते हैं जंगल पे, थोड़ी बहुत ट्रैकिंग कर लेंगे। बाकी आज बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी है, तो लगभग कल या परसों तक का तो रहेगी, तो जितने टूरिस्ट आना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आए और एंजॉय कीजिए हमारी तरफ। तो अभी हम जंगल को चलते हुए जा रहे हैं, सारे कजिन्स आ गए हैं और ये देखिए कितना कोहरा है यहाँ पर जंगल में।
आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ बर्फ़ है और ये पेड़ जितने हैं, कल से तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है इन पेड़ों में। तो आइए चलते रहते हैं, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अभी हम ऑलमोस्ट टॉप में पहुंच ही गए हैं, लेकिन जितने ऊपर जा रहे हैं चलना उतना ही टफ हो रहा है। बड़े आराम से चलना हो रहा है क्योंकि स्लिप हो जा रहे हैं और बार बार गिर जा रहे हैं। कपड़ों की हालत देख सकते हैं आप, गिर गिर के बर्फ लग गई है इनमें। तो आइए चलते हैं, थोड़ी दूर है बस और पहुँचते हैं, फिर वहाँ देखते हैं वहाँ कितनी बर्फ़ पड़ी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ है और चलना और तो और ऊपर जाते जाते बहुत टफ होते जा रहा है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं कितने आगे तक जा पाते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो आराम से संभल के चलते हैं। वो फाइनली पहुंच गए हैं, ये मंदिर है और यहाँ देखिए कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। कुछ लोग भी आए शायद टूरिस्ट है, तो देखते हैं। तो देखिए कितनी बर्फ है यहाँ पर, अंदर आग जलाइए बता रहे हैं जो ये लोग हैं भाई लोग यहाँ पर, इन्होंने अंदर आग जलाई है। तो चल के देख लेते हैं, ठंडा काफ़ी है। तो यहाँ पर देखिए मंदिर की छत कितनी ज़्यादा ढक गई है, ये स्नोफॉल्स है। काफ़ी टाइम बाद स्नोफॉल हुई है तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पर देखिए ये लोकल के लड़के हैं और एंजॉय कर रहे हैं बर्फ में। तो गाइज़ वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और ये 4th of February की स्नोफॉल थी जो इस वीडियो में है। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़िलहाल घर चलते हैं। Yeah,